Hey guys, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हमारे सेकंड चैनल पर एक फ्री ऑप्शन की वीडियो आने वाली है। वीडियो वैसे तो मैंने पोस्ट कर दिया है, बट वो प्ले शाम को 6 बजे होगी। तो वीडियो का लिंक आप लोगों को ऊपर आइकन बटन में मिल जाएगा। चैनल पर विजिट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल आप लोगों के लिए एक फाड़ू क्वालिटी का डॉग आने वाला है, और वो भी एकदम फ्री अडॉप्शन के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दो वन ऑफ द लॉयलेस्ट डॉग ब्रीड के बारे में, जो है जर्मन शेफर्ड एंड डोबरमैन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो जर्मन शेफर्ड एंड डोबरमैन पपीज हैं, ये सभी फीमेल ही अवेलेबल हैं। मेल आप लोगों को इनमें नहीं मिल पाएंगे। वैसे इन दोनों ब्रीड का बिल्कुल भी ओवर प्राइस नहीं है, उन्होंने इनका प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल रखा है, स्पेशली जर्मन शेफर्ड का। अगर आप लोगों का ज्यादा बजट नहीं है किसी ब्रीड को परचेज करने के लिए, तो आप लोग इस जर्मन शेफर्ड फीमेल के लिए जा सकते हैं। वैसे भी जर्मन शेफर्ड बहुत ही अच्छे फैमिली प्लस गार्ड डॉग्स होते हैं, जिन्हें फर्स्ट टाइम ओनर्स भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। बाकी ये दोनों डॉग ब्रीड एक ही ओनर के पास हैं, तो ओनर का कॉन्टेक्ट नंबर और लोकेशन सेम है। वैसे पहले मैं आप लोगों को जर्मन शेफर्ड की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर बात करते हैं डोबरमैन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर इस जर्मन शेफर्ड की एज के बारे में बात करें, तो ये पपी 1 मंथ की हो चुकी है, और ओनर जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो की है 6,000 रुपीज, यानी 6,000 रुपए। वैसे इस प्राइस में आप लोगों को कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, बिकॉज प्राइस फिक्स है। सो दोस्तों, डोबरमैन पपीज के बारे में बात करने से पहले, यह है हमारी पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स, जिसमें से फर्स्ट है मिस्टर सचिन राठौड़, सेकंड है दिव्यांग वाग्या, एंड थर्ड है आदि गुज्जर। तो फ्रेंड्स, यह है वो डोबरमैन पपीज जो कि बहुत ही अच्छे और काफी एक्टिव है, और ये भी सिर्फ फीमेल ही अवेलेबल है। वैसे जिन लोगों ने डोबरमैन के साथ एक्सपीरियंस नहीं कर रखा, वो लोग मानते हैं कि काफी अग्रेसिव डॉग ब्रीड है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डोबरमैन अपनी फैमिली और ओनर्स के लिए हद से ज्यादा लॉयल होते हैं, और वैसे भी डोबरमैन नेचुरली गार्ड डॉग्स होते हैं, तो स्ट्रेंजर्स के लिए ऑब्वियसली इनके अंदर थोड़ा अग्रेशन तो होगा ही। वैसे भी गार्ड डॉग्स का काम ही क्या होता है, अपनी फैमिली और अपने घर को प्रोटेक्ट करना, ताकि कोई स्ट्रेंजर्स अंदर ना आ पाए, और डोबरमैन अपना काम बखूबी निभाते हैं। इसी वजह से ये डॉग्स वन ऑफ द बेस्ट गार्ड डॉग्स की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इन डोबरमैन पपीज की भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता हूँ। तो फर्स्टली अगर इनकी एज के बारे में बात करें, तो पपीज आज 38 डेज के हो चुके हैं, और इनकी जो लोकेशन है वो है मेरठ यूपी से। वैसे डिलीवरी में आप लोगों को ज्यादा कुछ ऑप्शंस तो नहीं मिलते, ओनर आप लोगों को सिर्फ अप टू 50 किलोमीटर तक की डिलीवरी प्रोवाइड करा सकते हैं। अदरवाइज आप में से जो भी इंटरेस्टेड है इन ब्रीड को परचेज करने के लिए, तो डायरेक्ट ओनर के पास विजिट करके इन्हें परचेज करना होगा। और प्राइसिंग के बारे में बात करें, तो डोबरमैन पपीज सिर्फ फीमेल ही अवेलेबल है, तो ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो की है 9,500 रुपीज, यानी 9,500 रुपए। वैसे शायद ये प्राइस नेगोशिएबल है, इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल सकता है। बाकी आई एम श्योर पपीज की क्वालिटी और इनका प्राइस आप लोगों को पसंद आया होगा, फिर भी आप लोग अपने ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।